शेर सिंह राणा उर्फ पंकज सिंह का जन्म 17 मई 1976 में तब के उत्तर प्रदेश यानी आज के उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था, जब शेर सिंह राणा सिर्फ 4 साल के थे। तब चंबल में डंका बजता था कुख्यात डकैत फूलन देवी का। 1980 के दशक के शुरुआत में चंबल के बीहड़ों में फूलन देवी दहशत का दूसरा नाम थी। आज भी चंबल के लोग फूलन देवी का नाम सुनकर सिहर उठते हैं। फूलन देवी को बैंडिट क्वीन यानी दस्यु सुंदरी के नाम से भी जाना जाता था। उसने बेहमई गांव में 22 राजपूतों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी, जिसके बाद उसने आत्मसमर्पण किया और 11 साल जेल में रहकर बाहर आई और राजनीति से जुड़कर सांसद बनी। चंबल में घूमने वाली अब दिल्ली के अशोका रोड के शानदार बंगले में रहने लगी। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन से मिलने आया और फिर घर के गेट पर फूलन को गोली मार दी। फूलन की हत्या के बाद राणा ने कहा था कि उसने बेहमई कांड में मरे अपने राजपूत भाइयों का बदला लिया है। अब यहां से शुरू होती है हमारी कहानी। फूलन देवी की हत्या के 2 दिन बाद शेर सिंह राणा ने देहरादून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और जुर्म स्वीकार कर लिया। केस चलने तक अदालत ने शेर सिंह को तिहाड़ जेल में भेज दिया। तिहाड़ जेल में करीब 2.5 साल रहने के दौरान राणा ने कहा था कि तिहाड़ की सलाखें उसे ज्यादा दिनों तक नहीं रोक पाएंगी, और हुआ भी ऐसा। समय ने करवट ली और लगभग 3 साल बाद 17 फरवरी 2004 को राणा फिल्मी अंदाज में तिहाड़ जेल से फरार हो गया। तिहाड़ जैसे अति सुरक्षित जेल से किसी कैदी का फरार हो जाना अपने आप में बड़ी बात थी, इसलिए राणा एकाएक फिर सुर्खियों में आ गया। उस दिन उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में 3 अज्ञात लोग तिहाड़ जेल पहुंचे थे। उन्होंने तिहाड़ के अधिकारियों से कहा कि वो एक केस के सिलसिले में हरिद्वार की एक अदालत में पेशी के लिए शेर सिंह राणा को लेने आए हैं। वो अपने साथ हथकड़ी और अदालत में राणा की पेशी के ऑर्डर की कॉपी भी लेकर आए थे। तिहाड़ के अधिकारियों ने ऑर्डर की कॉपी देखी और फिर शेर सिंह राणा को बैरक से निकालकर उन फर्जी पुलिस वालों यानी कि शेर सिंह राणा के साथियों को सौंप दिया, जो राणा को वहां से लेकर चले गए। बाद में जब मामले का खुलासा हुआ तो पूरे तिहाड़ जेल के साथ ही पूरे देश में हड़कंप मच गया था। हालांकि 2 साल बाद 17 मई 2006 को राणा को कोलकाता में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये कहानी है इन 2 सालों की जब वो जेल से फरार थे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि भारत की धरती ने बहुत से वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, और ऐसे ही एक धरती मां के वीर सपूत योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू सम्राट थे। कंधार विमान हाईजैक मामले में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान गए थे, तो उस समय उन्हें गजनी में पृथ्वीराज चौहान की समाधि होने की जानकारी खुद तालिबान सरकार के अधिकारियों ने दी थी। पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में थी और मोहम्मद गौरी की कब्र के पास मौजूद थी। अफगानिस्तान में यह परंपरा है कि जो लोग मोहम्मद गौरी की कब्र देखने जाते हैं उन्हें पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान जूतों से करना पड़ता है। जसवंत सिंह ने जब भारत आकर इस बात का खुलासा किया तो इस बयान को समूचे भारतीय मीडिया ने बढ़ चढ़कर देश की जनता के सामने रखा। फिर क्या नेता क्या आम आदमी, सभी ने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने की वकालत तो की, पर प्रयास करने की जहमत शायद किसी ने नहीं उठाई। लेकिन जब शेर सिंह राणा को पता चला तो उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि के अवशेष सम्मान के साथ भारत वापस लाने का प्रण लिया। फरारी के बाद उसने सबसे पहले रांची से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और कोलकाता पहुंच गया, जहां से राणा ने बांग्लादेश का वीजा बनवाया और पहुंच गया बांग्लादेश, जहां राणा ने फर्जी दस्तावेजों की मदद से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, और इसी दौरान उन्होंने अफगानिस्तान का वीजा भी बनवाया और फिर राणा ने कदम रखा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में पहुंचकर राणा काबुल और कंधार से होते हुए गजनी पहुंचे, जहां मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की समाधियां बनी थी। तालिबानों की उस जमीन पर हर कदम पर खतरा था। इस तरह तालिबानियों के गढ़ में शेर सिंह राणा ने 1 माह गुजारा और पृथ्वीराज चौहान की समाधि को खोजते रहे, और आखिरकार उन्हें वो जगह मिल ही गई, और वहां शेर सिंह ने पृथ्वीराज चौहान का अपमान अपनी आंखों से देखा और अपने कैमरे में कैद किया। राणा ने बिना डरे जान हथेली पे लिए पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों के अवशेष निकालने की पूरी प्लानिंग अच्छे से की। फिर आया वो दिन जब राणा ने अपने प्लानिंग के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की समाधि की खुदाई की और अवशेषों को निकालकर सम्मान पूर्वक भारत ले आए।
इस पूरे घटना को अंजाम देने में 3 माह का वक्त लगा। राणा ने पूरे घटनाक्रम की वीडियो भी बनाई ताकि वो अपनी बात को प्रमाणित कर सके। बाद में राणा ने अपनी मां की मदद से गाजियाबाद के पिलखुआ में पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनवाया, जहां पर उनकी अस्थियां रखी गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई, लेकिन जिसने भी राणा के साहस की यह कहानी सुनी वो गर्व से भर गया। एक दिन जांच एजेंसियों को पता चला कि कोई कोलकाता में हिंदी अखबार ले रहा है, और हिंदी अखबार की वजह से राणा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। 2006 में कोलकाता के गेस्ट हाउस से दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर दोबारा तिहाड़ भेज दिया, जहां पर उन्होंने जेल डायरी तिहाड़ से काबुल कंधार तक नाम की एक किताब लिखी। एंड ऑफ बैंडिट क्वीन नामक बायोपिक फिल्म शेर सिंह राणा के जीवन पर आधारित है, जिसमें शेर सिंह राणा का किरदार अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया है। तो ये थी शेर सिंह राणा के अदम्य साहस और कारनामे की कहानी। शेर सिंह द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत देश के लोगों ने तहे दिल से किया। आपको बता दें कि शेर सिंह राणा द्वारा दी गई हत्या और भारत के कानून का अनादर करने का हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ शेर सिंह के इस साहसिक कारनामे को सभी के सामने लाने के लिए किया गया है। जब सरकार सब कुछ जानने के बाद भी सो रही थी और विपक्ष राजनीति कर रहा था, तब शेर सिंह ने अकेले बीड़ा उठाया धरती मां के उस वीर सपूत को वो सम्मान दिलाने का जिसके वो हकदार थे। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया गया है, इसलिए अपने विचार व्यक्त करने से पहले जरूर सोचें, और हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।